हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ, और इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद टोनी खान क्यों गुस्सा थे, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जो ऑरेंज कैसिडी और जैक एवंस का मैच एक कमर्शियल के बीच में खत्म हो गया तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है। AEW ने अपने ऑल आउट पेपरव्यू के अंदर होने वाले विमेंस कैसिनो बैटल रॉयल मैच के लिए और नए पार्टिसिपेंट्स रिवील कर दिए हैं। AEW कंपनी के ऑल आउट पेपरव्यू का एक काफी बड़ा मैच कैंसिल हो चुका है। ऑल इलीट रेसलिंग अपने इस साल के ऑल आउट पेपरव्यू के लिए कुछ नए मैच एडवर्टाइज कर दिए हैं, और डेनियल ब्रायन के भी AEW कंपनी के अंदर आने को लेकर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। जो सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइस, अगर आपने आज सुबह हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें मेन इवेंट के अंदर एक 8-man टैग टीम मैच देखने को मिला था। जो मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर दलित ने क्रिशन केज और लुचा ब्रोस के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था, पर इसके साथ ही हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, जो कि अगर आपने नहीं देखी तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। पर गाइस, डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद भी हमें डायनामाइट शो के ऊपर कुछ चीजें देखने को मिली है, और गाइस, डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद यहाँ पर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान आ गए, और यहाँ पर टोनी खान काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि केनी ओमेगा और डॉन कैलिस ने टोनी खान के ऑफिस से स्टील केज की चाबी चुराई थी। और मैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा हूँ वो जानने के लिए आपको हमारे इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा। पर डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद टोनी खान यहाँ पर अरीना के अंदर आ गई, और यहाँ पर टोनी खान काफी ज्यादा गुस्सा थे कि केनी ओमेगा ने उनके केबिन से चाबियां चुराई थी। और गाइस, माना कि एक स्टोरी लाइन का पार्ट है कि केनी ओमेगा ने टोनी खान के ऑफिस से केज की चाबियां चुराई थी, पर इसके बावजूद भी इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद यहाँ पर आकर टोनी खान इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे कि टोनी खान केनी ओमेगा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है कि केनी ओमेगा ने उनके ऑफिस से चाबियां चुराई है, जो चीज मुझे ऐसा लगता है कि 98% तक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और यहाँ पर टोनी खान सिर्फ नाराज होने की एक्टिंग कर रहे हैं, और वैसे भी यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने कुछ नहीं कहा, बल्कि टोनी खान गुस्से में यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर केनी ओमेगा को देखकर टोनी खान यहाँ चले गए। तो गाइस, अब देखना पड़ेगा कि आगे टोनी खान केनी ओमेगा के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि माना कि यहाँ पर केनी ओमेगा ने स्टोरी लाइन के अंदर टोनी खान के ऑफिस से केज की चाबियां चुराई थी, पर हमने देखा है कि AEW अपनी कोई भी स्टोरी लाइन बीच में ही नहीं छोड़ती। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या केनी ओमेगा को इस चीज के लिए कोई प्राइस पे करना पड़ता है या नहीं। पर इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यही सब चीजें थी जो कि हम इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद देखने को मिली है। पर गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि इस साल के ऑल आउट पेपरव्यू के अंदर होने वाले विमेंस कैसिनो बैटल रॉयल मैच के लिए AEW ने कौन कौन से नए पार्टिसिपेंट्स अनाउंस कर दिए हैं। तो गाइस, अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर AEW के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम इस साल AEW कंपनी के ऑल आउट पेपरव्यू के ऊपर एक कैसिनो बैटल रॉयल मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि AEW कंपनी का खुद का एक रॉयल रंबल मैच है, और ये मैच AEW के विमेंस डिवीजन से होने वाला है। इसलिए इस मैच के लिए हाल फिलहाल में AEW ने बहुत सारे विमेंस को अनाउंस कर दिया है, जो कि है नायला रोज, थंडर रोजा, हिकारू शीडा, जेट कारगिल, रेड वेलवेट, बनी, इमी साकुरा, टाइकॉन्टी, फिनोल्पी फ्रोड, बिग सॉल, जूलिया हार्ट, डायमंडे और कियारा होगन, और इतने नाम थे जो कि AEW ने अब तक अपने इस मैच के लिए अनाउंस किए थे। पर गाइस, जिसके साथ ही आज AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इस मैच के लिए कुछ और नए पार्टिसिपेंट्स अनाउंस कर दिए हैं, और गाइस, ये पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं एबेडॉन, हेलन किंग और लेला हैरिस। गाइस, सॉरी, ये बात मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते समय याद नहीं आई कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना रिटर्न करने के बाद एनआरजी भी इस विमेंस कैसिनो बैटल रॉयल मैच का हिस्सा होने वाली है, जिससे अभी इस मैच के अंदर 5 नहीं बल्कि सिर्फ 4 स्लॉट्स बाकी है। पर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय कहा था कि इस मैच के अंदर 5 सरप्राइजेस बाकी है, और मुझे रिकॉर्ड की हुई चीज एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 स्लॉट बाकी है कहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 4 स्लॉट बाकी है, जो बात मुझे लगा कि आपको बतानी जरूरी है। लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं, जिसके साथ ही अब AEW ने टोटली अपने इस मैच के करीब करीब 16 पार्टिसिपेंट्स रिवील कर दिए हैं, यानी कि अब इस मैच के करीब करीब 5 स्पॉट्स बाकी है जो कि AEW ने अब तक रिवील नहीं किए, क्योंकि गाइस, AEW के कैसिनो बैटल रॉयल मैच के अंदर 21 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जहां पर हर 3 मिनट के बाद यहां पर 5-5 पार्टिसिपेंट्स इस मैच के अंदर एंटर करते हैं, और आखिर में एक जोकर कार्ड यानी कि 21st पार्टिसिपेंट इस मैच में अकेले एंटर करता है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस मैच में एंटर करने वाले बाकी 5 सुपरस्टार्स कौन होते हैं, और कहीं इस मैच के अंदर AEW कंपनी में कोई सरप्राइज डेब्यू देखने को मिलता है या नहीं। पर गाइस, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमें इस मैच के अंदर कोई सरप्राइज देखने को मिलने वाला है या नहीं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें इस मैच के अंदर पॉसिबल सरप्राइजेस कौन से देखने को मिल सकते हैं, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने कुछ पॉसिबल सरप्राइजेस के बारे में बात की है जो कि हमें पॉसिबली AEW कंपनी के ऑल आउट पेपरव्यू के ऊपर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकती है। तो वो कौन है जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखना मत भूलना। पर गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि जो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी और जैक एवंस का मैच हुआ था, तो वो मैच एक्सीडेंटली कमर्शियल ब्रेक के दौरान ही क्यों खत्म हो गया। तो गाइस, अगर आपने हमारी इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जो ऑरेंज कैसिडी और जैक एवंस का मैच चल रहा था, तो वो मैच तो एक काफी बढ़िया मैच था। लेकिन गाइस, ये मैच एक कमर्शियल ब्रेक के दौरान ही खत्म हो गया, और जब टीवी पर दोबारा से AEW का डायनामाइट शो आने लगा तब तक ऑरेंज कैसिडी मैच जीत चुके थे। तो गाइस, इसके बाद सबसे पहले इस मैच के ऊपर ऑरेंज कैसिडी का रिएक्शन आ चुका है, और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर सिंपली एक ट्वीट किया, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने लिखा कि ऑरेंज कैसिडी पिक्चर इन पिक्चर के दौरान बेस्ट है। जिस ट्वीट से हम समझ सकते हैं कि प्रॉबेबली यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी काफी ज्यादा नाराज है कि ऑरेंज कैसिडी का ये मैच कमर्शियल ब्रेक के दौरान खत्म हो गया है। लेकिन गाइस, इसके बाद हाल ही में इस मैच की फिनिश को लेकर एक अपडेट सामने आई है, और गाइस, ये अपडेट हमें ये बताती है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जब AEW का डायनामाइट शो चल रहा होता है तब हमें पिक्चर इन पिक्चर ब्रेक देखने को मिलता है, यानी कि गाइस, एक
एक तरफ AEW का डायनामाइट शो चल रहा होता है और दूसरी तरफ हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, पर यहाँ पर मेन फोकस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर होता है और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की आवाज आ रही होती है। पर हमें साइड में छोटे से पिक्चर के अंदर AEW का डायनामाइट शो देखने को मिलता है। पर इस सब के बावजूद भी जब भी पिक्चर इन पिक्चर ब्रेक आता है तब काफी सारे फैंस टीवी चैनल चेंज कर देते थे और AEW का डायनामाइट शो दोबारा से स्टार्ट होने के बाद ही फैंस AEW का डायनामाइट शो देखने के लिए वापस आते थे। इसलिए यहाँ पर अपने फैंस को एक सबक सिखाने के लिए कि AEW के मैचेस कभी भी खत्म हो सकते हैं, जिस वजह से फैंस को पिक्चर इन पिक्चर ब्रेक मिस नहीं करना चाहिए ये दिखाने के लिए। और यहाँ पर अपने फैंस को सबक सिखाने के लिए AEW ने ये मैच एक पिक्चर इन पिक्चर ब्रेक के दौरान खत्म कर दिया है, जो रिपोर्ट हाल फिलहाल में सामने आ रही है। और गाइस अगर ये रिपोर्ट सच है तो यहाँ पर कहना पड़ेगा कि AEW ने अपने फैंस को काफी अच्छा सबक सिखाया है, जिससे कि अब फैंस पिक्चर इन पिक्चर ब्रेक के दौरान यहाँ पर टीवी चैनल चेंज नहीं करेंगे, जिससे कि AEW की रेटिंग कंसिस्टेंटली आएगी। और ब्रेक के दौरान भी यहाँ पर फैंस TNT नेटवर्क देख रहे होंगे, जिससे कि AEW कंपनी को भी फायदा होगा। और हम इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर अपने फैंस को एक काफी तगड़ा सबक सिखाने के लिए AEW ने ये मैच अपने पिक्चर इन पिक्चर ब्रेक के दौरान खत्म कर दिया है, जिससे कि फैंस आगे चलकर पिक्चर इन पिक्चर ब्रेक के दौरान चैनल चेंज ना करें। और इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मेरे हिसाब से ये AEW कंपनी की काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी थी। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि वो कौन सा मैच है जो कि AEW ने अपने ऑल आउट पेपर व्यू कैंसिल कर दिया है और वो मैच हमें AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाला। तो गाइज इस साल का AEW कंपनी का ऑल आउट पेपर व्यू AEW कंपनी के लिए काफी बड़ा पेपर व्यू होने वाला है, क्योंकि इस पेपर व्यू के ऊपर CM Punk 7 साल बाद रेसलिंग अंदर रिटर्न कर पिछले 7 साल में अपना पहला मैच रेसल करने वाले हैं, जिसके साथ ही हमें पॉल व्हाइट भी इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू पर रेसल करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और हमें यहाँ पर AEW की इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैचेस देखने को मिलने ही वाले हैं। पर गाइज इन्हीं मैचेस में से एक मैच AEW ने अपने ऑल आउट पेपर व्यू से कैंसिल कर दिया है, और गाइज ये मैच किसी और का नहीं बल्कि अंद्रादे एल इडोलो और पाक का है, जो मैच फाइनली AEW ने अपने इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू से कैंसिल कर दिया है। और गाइज ये मैच कैंसिल करने के पीछे का रीजन बताते हुए टोनी खान ने एक ट्वीट किया, और यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने बताया कि AEW की सुपरस्टार्स विदेशों के अंदर रहते हैं और हाल फिलहाल में पाक इंग्लैंड के अंदर है और करंटली पाक के कुछ ट्रैवल इशू चल रहे हैं, जिसके चलते हमें शायद पाक इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू पर कम्पीट नहीं करते हुए दिखाई देने वाले। और इसी वजह से टोनी खान यहाँ पर अपने फैंस की माफी मांगते हैं और अनाउंस करते हैं कि हम इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर अंद्रादे एल इडोलो और पाक का मैच नहीं देखने को मिलने वाला। जो बात हाल ही में टोनी खान ने ट्वीट कर बताई है कि ये मैच अब AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर व्यू से कैंसिल हो चुका है। पर गाइज इस मैच के एक रिप्लेसमेंट भी AEW ने यहाँ पर ढूंढ कर निकाली है, और यहाँ पर AEW ने बताया कि साल जो AEW कंपनी के अंदर विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच होने वाला है, वो मैच अब AEW कंपनी के बाइन शो पर यानी कि प्री शो के ऊपर नहीं होने वाला। अब ये मैच AEW कंपनी के एक्चुअल पेपर व्यू के ऊपर होने वाला है, यानी कि अब ये मैच मेन कार्ड के ऊपर आ चुका है। पर इसके साथ ही AEW अपने ऑल आउट पेपर व्यू के प्री शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच बुक कर दिया है, जहाँ पर हमें बेस्ट फ्रेंड्स ऑरेंज कैसिडी और जुरासिक एक्सप्रेस मिलकर हार्डी फैमिली ऑफिस को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इस मैच के पीछे की बैक स्टोरी क्या है ये जानने के लिए आपको हमारे इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर देख सकते हैं। पर गाइस पाक और अंद्रादे एल इडोलो का मैच इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू से कैंसिल होने के बाद हमें अब AEW कंपनी का विमेंस कैसिनो बैटल रॉयल मैच AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर व्यू के मेन कार्ड के ऊपर देखने को मिलने वाला है, और हमें प्री शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी बेस्ट फ्रेंड्स और जुरासिक एक्सप्रेस और हार्डी फैमिली ऑफिस के बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और पाक और अंद्रादे एल इडोलो का मैच इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर नहीं होने वाला, इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मेरे हिसाब से पाक और अंद्रादे के लिए काफी बुरी बात है कि वो इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू पर रेसल नहीं करने वाले, तो देखना पड़ेगा कि अब आगे अंद्रादे और पाक के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली और सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में डेनियल ब्रैन के AEW कंपनी के अंदर आने को लेकर कौन से बड़े हिंट सामने आ रहे हैं। तो गाइज अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि प्रोबेबली डेनियल ब्रैन ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और अब हमें काफी जल्दी डेनियल ब्रैन AEW कंपनी के ऊपर डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसके साथ ही डेनियल ब्रैन को लेकर आए हुए बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे अपडेट्स वीडियो देखना मत भूलना। पर गाइज रिपोर्ट सामने आने के बाद हमें हाल फिलहाल में थोड़े फार हिंट्स मिले शुरू हो चुके हैं कि हमें शायद डेनियल ब्रैन AEW कंपनी के अंदर काफी जल्दी डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज इन्हीं में एक और हिंट शामिल हो चुके हैं, क्योंकि हाल ही में डेनियल ब्रैन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर AEW सुपरस्टार्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेनियल ब्रैन अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर केनी ओमेगा, कोडी रोड्स, ब्रैंडी रोड्स, डेव मैटजर और यंग बक्स को फॉलो कर रहे हैं, जो सभी AEW कंपनी के सुपरस्टार्स है, जो कि प्रॉब्लम एक और हिंट हो सकती है कि हमें शायद काफी जल्दी डेनियल ब्रैन AEW कंपनी के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसी तरीके के कुछ हिंट हमें पहले CM Punk की तरफ से देखने को मिले थे, और अब इस तरीके के हिंट डेनियल ब्रैन भी दे रहे हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और इस सब के बाद आपको क्या लगता है कि हमें डेनियल ब्रैन कब AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो चीजें मुझे कमेंट कर बताना मत भूलना। पर गाइस डेनियल ब्रैन और AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। हे, डिड यू लाइक दैट वीडियो? क्लिक द स्क्रीन फॉर मोर। And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?